हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट एडमिशन 2021 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है दिल्ली डाइट एडमिशन 2021 की, वो एंड हो चुकी है। आपके जो एडमिशन है वो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसके फॉर्म भरे जाने थे। और इसके लिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भरते समय बहुत सारी मिस्टेक की हैं। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है तो आपके पास एक आखिरी मौका है। आपको 11 और 12 अगस्त को अपने फॉर्म में एडिटिंग करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आज 12 अगस्त है, अगर आपको भी अपने फॉर्म में कोई एडिटिंग करनी है, कोई चीज़ करेक्शन करनी है, तो आप आज की डेट में ये करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप दिल्ली डाइट की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा एडिटिंग फैसिलिटी इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो एडिटिंग फैसिलिटी है अभी वो ओपन है, और ये आपकी 12 अगस्त तक ओपन रहेगी। आप अपने एडमिशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके इसे चेंज कर सकते हैं। और जब आप इसका शेड्यूल डाउनलोड करते हैं तो शेड्यूल में भी आपको दिखाया गया है, जब आप इस शेड्यूल में देखेंगे, यहाँ पर शेड्यूल में आपको बताया गया है कि 3 से 10 तारीख तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद 11 और 12 तारीख को आपके यहाँ पर करेक्शन किया जाएगा। अगर आपका कोई भी करेक्शन है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ इसमें करेक्शन कर सकते हैं सिर्फ इन चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आप करेक्शन नहीं कर सकते, बाकी कोई भी चीज़ आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये चीज़ें यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है एडिटिंग ऑप्शन इन डेटा चॉइस प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट टू करेक्ट द डाटा इफ़ एनी एक्सेप्ट नेम डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट ईमेल आई डी एंड मोबाइल नंबर विच कैन नॉट बी चेंज एंड एडिटेड। यानी आप अगर कोई भी डेटा चॉइस ऑप्शन प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बस आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। 12 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है, यानी आज तक आप अपना जो भी कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद 14 तारीख को आपकी जो रैंक है वो दिखाई जाएगी, इसके बाद 17 तारीख को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा शेड्यूल दिया गया है, इसलिए आपको वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करना है, ये देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। शेड्यूल में आपको सारी चीज़ें बताई गई, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपको कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी, आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।